बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डन्स ड्रेसेस। आज मैं आप लोगों की बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र की डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये और इजी बन जाता है, क्विक बन जाता है। आप बनाएंगे इन, इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको पसंद आएगा। इसके मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं फैब्रिक के ही, और उसी फैब्रिक से ये बना ली है और थोड़ी सी ऊपर एम्ब्रॉयड्री की है। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। और इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, इसलिए मैंने कहा इसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जिसको ये पसंद आए वो अपने लिए ड्रेस पर बनवा सकता है। इसके लिए मैंने इसकी शर्ट पर सबसे पहले इसके आर्म्स पर और इसके दामन पर जो है वो अंदर पट्टी जो है वो अटैच की है, जिस तरह सिंपल इसी के फैब्रिक से शर्ट के मैंने अटैच कर ली है। साइड्स पर जो यहाँ पर प्रिंटेड की है और नीचे आर्म्स में प्लेन की है, और इसके शोल्डर्स मैंने बनाए हैं कुर्ता स्टाइल की और उस पर मैंने लेस अटैच की है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी इंशाल्लाह मैं इस तरह की स्टाइल की शेयर करूँगी इसका ट्यूटोरियल आपके साथ। और इसकी ज़रा जल्दी में स्टिचिंग की थी इसलिए शेयर नहीं कर सकी। ये नेक पर मैंने बीड्स, ये भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं, खुद ही घर में बनाए हैं, नीडल के साथ इनको अटैच कर दिया मैंने बनाकर। ये देखें, और इसके नीचे ये नेक थोड़ी मुझे डीप लग रही थी तो मैंने इस पर नीचे कपड़ा इस तरह से अटैच कर लिया है, आपको पहने भी आसानी होती है। और इस पर मैंने बटन लगा लिए हैं। बहुत ही ये भी इजी बनने वाला स्टाइल है, क्विक बन जाता है। और ये इसका ट्राउज़र है और इसकी शर्ट है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं, इसके लिए जो भी आपके ट्राउज़र की लेंथ है उसे आपने 3 इंचज़ जो है वो इसकी पिनटेक्स के लिए एक्स्ट्रा लेंथ रखनी है, और 2 इंच का ये मैंने अलग से फैब्रिक ले लिया है जो आपका इस ट्राउज़र में से निकला है साइड से, ये मैंने कट कर लिया है। और इसकी लेंथ मैंने ट्राउज़र के पैंचे से थोड़ी लंबी ली है, तकरीबन 6 और 7 इंचज़ तक। और इसकी लंबी साइड पे लंबे रुख मैंने छोटे छोटे पिनटेक्स डाल लिए हैं, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बारीक साथ साथ अपने स्टिचेस लगाने हैं इसके, ये देखें ऐसे। और आपने ये लगाते वक्त तकरीबन 1 पाँव का फासला छोड़ना है दरमियान में, ज्यादा दूर तो मैंने नहीं बनाए ये। ऐसे आपने ये 4 पिनटेक्स मैंने लगाए हैं इस फैब्रिक पर, ये देखें इस तरह से बन गया है ये। अब हम दूसरे साइड पे इसकी पिनटेक्स लगा लेंगे, ये भी हमने वैसे ही बारीक बारीक लगाने हैं जैसे हमने लगाए हैं, और छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाएंगे हमारे इस साइड पर। अनोन लोग भी बना सकते हैं इसको इजीली, जो लोग स्टिचे जानते हैं उनको तो जस्ट एक नज़र देखने की जरूरत होती है तो वो डिज़ाइन उनके माइंड में आ जाता है। नहीं, कटिंग स्टिचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है, जरूर ट्राई करना चाहिए। स्टार्ट में मुश्किल लगता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब आसान हो जाता है। ये मैंने 3 पिनटेक्स लगाकर मैंने फिर ये स्पेस लिया है, उसके बाद फिर मैंने ये ऐसे ही 3 लगाने हैं जैसे मैंने पहले लगाए हैं। इसके अंदर जो कपड़ा यूज़ होना है इसीलिए हमने ये तकरीबन 6 इंचज़ तक मैंने ये एक्स्ट्रा लिया था, ये देखें 3 स्टैंड लगा के 3 ही इधर लगाने हैं मैंने, उसके बाद ऐसे स्पेस देते जाना है। ये मैंने पूरी पट्टी लॉन्ग अपनी ट्राउज़र के पैंचे जितनी तैयार कर ली है। अब हम इसको ट्राउज़र के पैंचे के साथ अटैच करेंगे। ये हमने इसकी बैक साइड पर अटैच करनी है और इसको हम फ्रंट साइड पर उल्टा करेंगे।
ये देखें, इस तरह से हम इसकी ट्राउजर के ऊपर रखकर अंदर की तरफ फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर फिर हम सिलाई लगा देंगे। साथ साथ आप आयरन करते जाएं कपड़ों को, जितना ज्यादा आयरन करके स्टिच करो तो उतनी नीटनेस ज्यादा आती है और स्टिचिंग भी आसान हो जाती है। अब फिर हम यहाँ पर पेंटेक्स लगाएंगे, ये थोड़े बड़े लगाने हैं हमने, तकरीबन मशीन का जो एक पाँव होता है ये देखें इतना, 2 सेंटीमीटर मैंने छोड़ी है जगह पर, और एक पाँव जितना आप कपड़ा छोड़कर एक पाँव जितना ही आप प्लेट लगाएंगे, जितना आपने इधर से दूसरी साइड से जगह छोड़नी है उतना ही आपने प्लेट लगाना है। इसको भी चाहें तो पहले आप आयरन कर लें, ये देखें ऐसे तकरीबन 2 लगा ली है मैंने, एक और लगाना है, 3 पिंटेक्स में हम लगाएंगे। ये देखें आप चाहें ज्यादा लगाना चाहें तो फिर आपको ट्राउजर की लेंथ और थोड़ा एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। अब मैंने इसको साइड पर भी स्टिचेस लगा लिए हैं, दो दो तीन तीन, ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। उसके बाद हमने 1 इंच का फासला देते जाना है और ऐसे ही एंड तक हमने स्टिचेस लगाते जाना है। और फिर हम ऊपर से इसका थ्रेड काट लेंगे। इसके बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा, इसके लूप्स बनाने के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं मैंने ये, और मेरे पास तकरीबन वेलवेट टाइप का ये फैब्रिक था घर में पड़ा हुआ जो मैंने यूज किया है। आप किसी भी किस्म का यूज कर सकते हैं, लॉन का, कॉटन का, सिल्क का, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके ड्रेस के साथ कलर में मैच करता हो या कंट्रास्ट में हो। मेरे ड्रेस में पिंक कलर के फ्लावर्स थे तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर यूज कर लिया है। ये हमें कट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने अंदर रख कर अटैच कर लिया है इसको। और उसके बाद 3 पिंटेक्स मैंने और लगा दी हैं, ये भी हम बिल्कुल बारीक लगाएंगे जैसे हमने स्टार्ट में लगाए हैं। और उसके बाद हम ये फ्लावर्स को भी ऊपर से स्टिचेस लगा देंगे, चाहे तो आप साथ साथ भी लगा लें। ये देखिए इस तरह से हाफ पे मैंने लगाया है, फुल नहीं लगाई स्टिचेस, ये बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। उसके बाद हम अपने ट्राउजर को फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस ट्राउजर की कटिंग की मैंने वीडियो डाली है, इसकी किस तरह से इसको पैंट ट्राउजर है ये शेप में कट किया जाता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जाकर चेक कर सकते हैं और इसकी कटिंग का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब हम एंड में इसके एम्ब्रॉयडरी करेंगे, बहुत ही आसान है ये एम्ब्रॉयडरी, इसको मोती टांका कहते हैं। और ये क्योंकि मोतियों की तरह छोटा छोटा बनता है, अलग अलग इसको ज्वाइंट करके भी बनाया जा सकता है। इस बेल टाइप फ्लावर्स भी इसके बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए थे तो मैंने हर बॉक्स में एक बनाया है। देखें इसको, थोड़ी सी तकनीक है इसकी, देखने आपको बहुत ही वाजे नजर आ रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहें तो तिल्ले का इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी जगह पर आप अपने नेक पर भी बना सकते हैं ये डिजाइन, आर्म पर भी बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं, जहां चाहे बना सकते हैं। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, इनमें कोई लेस है आपकी स्टाइल की, आप उस लेस पर भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी से उसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये हम मैंने तकरीबन हर बॉक्स में ये बनाए हैं जो छोटे मेरे पास स्क्वायर्स तैयार हुए थे। इसके बाद हम यहाँ पर भी बनाएंगे, स्टाइल भी साथ साथ बनाते जाएंगे। अगर आप चाहें, आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो आप पहले इस पर स्टिचेस लगा लें, उसके बाद आप एम्ब्रॉयडरी करें, लेकिन एक ही दफा में भी काम हमारा हो सकता है। ये देखिए साथ साथ ही हमने स्टिच लगा लिया है और साथ ही हमने एम्ब्रॉयडरी भी कर ली है।
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये तीनों पर हम इस तरह स्टिचेस लगा देंगे। नेक्स्ट आप हमें कमेंट किया करें कि आप किस तरह की वीडियो जो है या ट्यूटोरियल देखना पसंद करते हैं। आप जैसे भी स्टिचिंग के हवाले से, कटिंग के हवाले से जो भी आप हम मशवरा देना चाहते हैं हमें, तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। या इस पर मज़ीद बेहतरी की आप किस तरह से ख्वाहिश रखते हैं कि और किस तरह की वीडियोज़ हमारी बेस्ट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो सब आपके मशवरे से हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई तो कोई बात नहीं, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ भी हों सब खुश खुरम हों, हर नया दिन आप लोगों के लिए ढेरों खुशियों का पैगाम लाए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। सुबह में अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।